फिर कहते हैं नहीं नहीं जब हम बताते हो, कहते हैं हम इनकारी तो नहीं है। तो हम फिर अर्ज करते हैं ना, फिर आज आस्ते कहना कि झगड़ा ये नहीं है कि आप इनकारी हैं, आप इकरारी कोई नहीं है। जब कोई बताता है ना, ओह अच्छा इसको पता चल गया, फिर कहते हैं हाँ जी हम भी मानते हैं, इकरारी नहीं है। अगर आप इकरारी थे तो आप हमसे पहले मौला अली क्यों नहीं कहते थे? पहले तो आप ये पढ़ते थे कि जनाब तू कहता है अली ना खुदा है ना खुदा से जुदा है, दस फिर अली केड़ी बला है, ना अली खुदा है ना खुदा से जुदा है, फिर क्या बला है? ना अली खुदा है ना खुदा से जुदा है, फिर क्या बला है? यही कहते थे ना उस बिला। अच्छा इनके एक चमचे ने इसको डिफेंड किया, उनका नहीं वो आपको समझ नहीं आई, वो कह रहे कि दस फिर अली क्या भला है, भला वो क्या है, एड्डी चुस्ता उर्दू कराची अली, एक पंजाबी स्पीकिंग बंदे दी, वो पंजाबी है ना लाल रुमाल वाला। अच्छा तो भला और भला में फर्क है, उन्होंने भला है, उन्होंने कहा जी आपने सुना नहीं, वो कह रहे भला क्या है वो, ठीक है, और जिंदगी में पहली और आखिरी बार भला उसी में ही बोला है उन्होंने, क्योंकि तो वो बोलते ही नहीं पंजाबी स्पीकिंग। लेकिन लाल रुमाल वाले ने शुक्र है क्लिप खुद ही रिकॉर्ड करा दिया कि उसने कहा कि मैंने भला ही लफ्ज इस्तेमाल किया। तुम कहते हो अली ना अल्लाह है ना अल्लाह से जुदा है, ना खुदा है ना खुदा से जुदा है, तो हमने सवाल किया फिर क्या चीज है, या बला से मुराद चीज है, यहाँ सैयदना अली की तौहीन मकसूद नहीं। मान गए तो उसने कहा वो बला का मतलब होता है चीज, के बताओ फिर अली क्या चीज है। मैं से पूछता हूँ कि कभी ये लोग हजरत अबू बकर उमर उस्मान के बारे में इन्होंने कभी अल्फाज मां किए कि बताओ अबू बकर क्या किस बला का नाम है और फिर किस चीज है? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक फिरका वराना दराड है। फिर हम कहते हैं जो बला का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे भाई, ये नोटोरियस वर्ड है, आप बचपन में नहीं सुनते लालच बुरी बला है? कभी किसी किसी अच्छी चीज के लिए बला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? तो अगर तुम ये बला भी मानते हो तब भी गलत कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो ना। तुमने खाम खा यानी डिफेंड करने के लिए अपने बुजुर्गों को अपने बाबों को अपने फिरकों को बचाने की खातिर तुम इस लेवल के ऊपर उतरते हो। तो अब उसने और फिर मुझे लिखा हुआ रिप्लाई टू इंजीनियर मंदली मिर्जा का, हम मौला अली भी मानते हैं। और यार मुझे क्यों रिप्लाई करें? आप अपने उलमा को रिप्लाई करें जिन्होंने आपसे हक छुपाया हुआ था। आप पहले तो मौला अली कभी नहीं कहते थे, अब मौला अली मौला अली मौला अली हर वक्त आप देखे ना, वो जुबान ही उतारी है कि पहले कभी नहीं निकला है जुबान से।